अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कार के शाहकार। आज का रिव्यू है सुजुकी कैरी डब्बा का। सुजुकी कैरी डब्बा, सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडलाइट्स दिखा रहा हूं और फिर इसकी ये देख रहे हैं आप जाली ग्रिल जो है, और ओवरऑल अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस के अंदर है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर कहीं कहीं पे आपको उतरा हुआ नज़र आता है। मैं आपको कैमरा करीब करके दिखा भी रहा हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पर इसके कलर के अंदर थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं। और वैसे भी इसका जो बाहर से जो कलर है वो इसका फुली जेन्युइन नहीं है, क्योंकि इसको फवार लगी हुई है बाहर से। अब मैंने इसका खोला ड्राइवर साइड वाला डोर, तो वैसे ओवरऑल तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कलर्स का इशू ज़रूर आएगा। कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं कैमरा करीब करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कलर इसका उखड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके कुशन वर्क की बात करें, इसके रूम की बात करें, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका इनर साइड जो है ना वो टोटली जेन्युइन है। बाहर से इसको थोड़ा फवार लगी हुई है, लेकिन इनर साइड जो है ना इसका जेन्युइन है। अब आप इसकी सीटों को देखें और इसके जो है देख रहे हैं आप डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ ज़बरदस्त किस्म का काम है इसका। और अगर हम इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो मैं आपको कैमरा करीब करके दिखाता हूँ, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हम इसकी सीटों की बात करें तो सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, ड्राइवर साइड वाली भी और पैसेंजर साइड वाली भी। क्लच ब्रेक और रेस को आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके साइड्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पे कलर का आपको प्रॉब्लम नज़र आता है। बाहर से कलर का इशू है इसको, और बाहर से इसको फवार भी लगी हुई है। सन 2013 मॉडल का ये कैरी डब्बा है और लाहौर का नंबर लगा हुआ है इसको। बायोमेट्रिक अवेलेबल है इसमें, बायोमेट्रिक का कोई इशू नहीं है, बायोमेट्रिक इसका आपको अवेलेबल होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके टायर्स की, तो टायर्स की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। टायर्स की कंडीशंस के हवाले से जो है ना आप मुतमैन रहें। अब मैं आपको इसके पैसेंजर साइड पे लेके जाता हूँ। पैसेंजर साइड वाली जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं और लेग स्पेस भी अवेलेबल है। अगर आप सवारियों को इधर से उधर लेके जाना चाहते हैं तो इसमें जो है ना आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से काम किया गया है। जिस भाई ने भी इसको तैयार करवाया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराई है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी किया है इसका। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसकी जो डिमांडिंग प्राइस है वो 11 लाख रुपया है। 11 लाख रुपया इसकी डिमांडिंग प्राइस है। इसका इंजन जेन्युइन है, अंदर से ये जेन्युइन है और बाहर से इसको टचिंग लगी हुई है। बायोमेट्रिक इसका अवेलेबल है। ओनर जो हैं इसके वो लोकल हैं। लोकल से मुराद ये है कि रावलपिंडी के एरिया से वो बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद के करीब के एरिया में रहते हैं। जो लोग भी इसको परचेज़ करना चाहें वो ज़रूर रब्ता करें। डिटेल आपको जो है ना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपके सामने इसका इंजन अवेलेबल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती हैं और वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।